नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार, एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज की हमारी ट्रिक है 3 डिजिट वाली संख्या, जैसे 108, 126, 187 का वर्ग सिर्फ 2 से 3 सेकंड में कैसे निकालें। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप ये ट्रिक कभी नहीं भूलोगे। चलिए फिर आज की ट्रिक शुरू करते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन गुरुजी चैनल को, और सबसे पहले नई वीडियो पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। पिछली वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे करने, चलिए फिर उनको सोल्व कर लेते हैं। पहले तो पहला क्वेश्चन था 73 का वर्ग, तो इसको हम कैसे करेंगे, इनको यहाँ पे लिख लेंगे 7, फिर 3 और फिर क्या है 2, और बीच में लगा देंगे गुणा का निशान। अब कर देंगे इनकी गुणा, 7 या 21, 21 दूनी 42, यहाँ पे 42 लिख दिया। अब हमें करना क्या है, जो इस ब्रैकेट में है ना इनका वर्ग कर देंगे। 7 का वर्ग 49, देखो है ना 49। 3 का वर्ग 3 3 9, देखिए 9 अकेला अंक आया था तो इसलिए हम क्या करेंगे उसके आगे लगा देंगे 0। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 0 9। उसके बाद क्या करेंगे, जो पहला अंक है ना इकाई वाला इसको छोड़ देंगे और उसके बाद लिख देंगे ये संख्या कितनी है 42। और अब इनको जोड़ देंगे, 9 का 9 2 का 2, 4 और 9 13, हासिल 1 4 और 1 5, तो क्या आ गया 5329, ये हो गया हमारा आंसर। और दूसरा क्वेश्चन कौन सा दिया था मैंने, 47 का वर्ग, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो इनको लिख लेंगे 4 7 और फिर क्या है 2, बीच में गुणा का निशान। अब कर देंगे इनकी गुणा, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, ये आ गया 56। उसके बाद क्या करना है, जो ब्रैकेट में है ना इनका वर्ग करना है, 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग 49, यहाँ पे 49 लिख दिया। अब इकाई वाले अंक को छोड़ देंगे और उसके बाद लिख देंगे ये 56, लिख दिया हमने 56। अब क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे, 9 का 9 6 और 4 10, 10 की 0 हासिल 1, 5 और 6 11 और 1 12 हासिल 1, 1 1 2, तो क्या आ गया 2209, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए फिर अब देखते हैं 3 डिजिट वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें। देखो 3 डिजिट वाली संख्या का वर्ग निकालने के लिए ना आपको 1 से लेकर 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो एक बार वीडियो को पॉज करके इन्हें देख लो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 108 का वर्ग, हमें इसमें करना क्या है, जो ब्रैकेट के बीच में अंक है ना इसके 2 टुकड़े बना लेंगे, एक तो इकाई वाला और जो बच गया दूसरा वो बन जाएगा। अब हमें करना क्या है, इनको यहाँ पे लिख लेंगे, पहला क्या है 10 और उसके बाद 8 और उसके बाद 2, इनके बीच में गुणा का निशान और गुणा कर देंगे, 10 8 80, 80 दूनी 160, हमारे पास आ गया 160। अब हमें करना क्या है, जो ब्रैकेट में संख्या है ना उनका वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 100। और उसके बाद 8 का वर्ग 64, यहाँ पे लिख दिया 64। अब हम क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है ना इसको छोड़ देंगे और उसके बाद ये संख्या ये ना जो इसको लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे, 4 का 4, 6 का 6, 6 1 और 1, और ये आ गया हमारा आंसर, है ना बिल्कुल आसान ट्रिक। चलिए फिर इसका दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। हम निकालते हैं 126 का वर्ग, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई का अंक एक जोड़ा बन गया और उसके बाद जो बच गया वो बन गया दूसरा जोड़ा। अब इनको यहाँ पे लिख लेंगे, पहले 12 और फिर 6 और फिर 2, बीच में गुणा का निशान। और अब कर देंगे इनकी गुणा, 12 6 72, 72 दूनी 144, यहाँ पे आ गया 144। अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में है ना इनका वर्ग करेंगे, पहले क्या है 12, 12 का वर्ग कितना है 144, यहाँ पे 144 लिखेंगे। उसके बाद 6 का वर्ग कितना है 36, यहाँ पे लिख देंगे 36। और इकाई का अंक छोड़ के जो ये संख्या ना वो लिख देंगे 144। अब इसको देंगे जोड़,
छः का छः, चार और तीन सात, चार चार आठ, एक और चार पाँच, एक का एक, और ये आ गया हमारा आंसर। चलिए फिर इसका क्वेश्चन नंबर तीन और देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर तीन है 141 का वर्ग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में है ना, इसके दो टुकड़े बना लेंगे, एक इकाई वाला और जो बच गया वो दूसरा। ठीक है, अब इसको लिख देंगे। पहले क्या है, 14 और फिर एक और ये दो, इनको लिख के बीच में गुणा का निशान और कर देंगे इनकी गुणा। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, यहाँ पे आ गया 28। अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में है ना, इनका वर्ग करेंगे। 14 का वर्ग कितना है, 196, यहाँ पे 196 लिखेंगे। और उसके बाद एक का वर्ग, कितना है, 01, यहाँ पे 01, और इकाई वाला अंक को छोड़ देंगे। उसके बाद लिख देंगे ये संख्या कितनी है, 28, और जोड़ देंगे, 1 का 1 8 का 8, 2 और 6 8, 9 का 9, 1 का 1, और ये आ गया हमारा आंसर। चलिए फिर इसका क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं। इसमें हम निकालेंगे 174 का वर्ग। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में है इसके दो टुकड़े बना लेंगे, एक इकाई वाला और जो बच गया वो दूसरा। फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे 17 4 और 2, बीच में गुणा का निशान और गुणा कर देंगे। 17 चौके 68, 68 दूनी 136। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में है इनका वर्ग करेंगे। 17 का वर्ग 289, यहाँ पे 289 लिखा, और फिर 4 का वर्ग 16, यहाँ पे 16 लिख दिया, इकाई का अंक छोड़ देंगे। और उसके बाद लिख देंगे ये संख्या कितनी है, 136, और इनको देंगे जोड़। 6 का 6 6 और 1 7, 3 और 9 12, हासिल 1, 1 और 8 9 और 1 10, 10 की 0, हासिल 1, 2 और 1 3, ये क्या आ गया हमारा आंसर। चलिए फिर अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच है 187 का वर्ग। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में है इनके दो टुकड़े बना लेंगे, एक इकाई वाला और जो दूसरा बच गया वो। ठीक है, 1 7 का बन गया, 1 18 का। अब इनको यहाँ पे लिख देंगे 18 7 और ये 2, बीच में गुणा का निशान। अब इनकी कर देंगे गुणा, 18 7 126, 126 दूनी 252। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में संख्या है इनका वर्ग करेंगे। 18 का वर्ग 324, यहाँ पे लिख देंगे 324। 7 का वर्ग 49, यहाँ पे लिखेंगे 49, और इकाई वाला अंक को छोड़ देंगे। और उसके बाद लिख देंगे ये संख्या कितनी है, 252, 252 लिखी, और इनको देंगे जोड़। 9 का 9, 2 और 4 6, 5 और 4 9, 2 और 2 4, 3 का 3, तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए फिर हम इसका छठा और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 198 का वर्ग। सबसे पहले तो जो ब्रैकेट में है इनके दो टुकड़े कर लेंगे, एक इकाई वाला अंक और दूसरा जो बच गया, क्या बन गए, 19 और 8। इनको यहाँ पे लिखेंगे 19 8 और ये 2, बीच में गुणा का निशान। अब कर देंगे इनकी गुणा, 19 8 152, 152 दूनी 304। अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में है इनका वर्ग, 19 का वर्ग 361, 8 का वर्ग 64, तो यहाँ पे लिख दिया 64। इकाई वाले अंक को छोड़ देंगे और उसके बाद लिख देंगे ये संख्या कितनी है, 304, और देंगे इनको जोड़। 4 का 4, 4 और 6 10, हासिल 1, 1 और 1 2, 3 और 6 9, और 3 का 3, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक आसानी से समझ में आ गई होगी। चलिए फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं कौन सबसे पहले और सही आंसर देता है। तो आपके क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 116 का वर्ग क्या होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 है 167 का वर्ग क्या होगा। और कुछ ही देर में मैं इस ट्रिक की PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।
क्योंकि ये सभी वीडियो हम आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाते हैं, इसलिए आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, जिससे हम आपके लिए जल्दी जल्दी बेहतर वीडियो बना सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और आप इसी तरह की वीडियो डेली पाने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन गुरुजी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि ग्रुप में डेली जीके का टेस्ट और शनिवार और रविवार को रेलवे डी ग्रुप, एचएसएससी और हरियाणा पुलिस का टेस्ट लिया जाता है और उनसे रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, और ये सब बिल्कुल फ्री हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख लें। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।